नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 शातिर अपराधियों को मादक पदार्थ चरस, देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें से कई अपराधी अंतर जिला में अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मामले की जानकारी प्रेस वार्ता कर वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस को 5 अपराधी जो कि इनके पास 3 कंट्रीब्यूट वेपन हथियार गोलियां थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर डीएसपी सरैया की टीम को सूचना मिली कि सरैया थाना क्षेत्र के एरिया में और साहेबगंज थाना क्षेत्र के एरिया में मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कई वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में जो टीम ने रेड की, रेड के दौरान 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 3 हथियार और गोलियां और इसके अलावा घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइकें बरामद की गई हैं। इस प्रकार पुलिस को लूटपाट कर रोकने और अपराध को रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू। इसमें जो साहेबगंज में पकड़े गए लोग हैं, उनका साहेबगंज में, चकिया में और केसरिया थाना क्षेत्र में आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा जो अन्य 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, एक सरैया और एक करजा थाना से, उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनसे कई मामलों के बारे में हम लोग को लीड मिली है। आगे हम लोग इससे और पूछताछ करेंगे। इन लोग मुजफ्फरपुर के मामले में पहले भी एक्टिव रहे हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इन लोगों से जब हम लोगों ने पूछताछ की है तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में और मुजफ्फरपुर में इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे कई मामलों को खुलासा करने में सफलता मिली। लोग लूटपाट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं। पहले भी ये लोग डकैती के केस में मोतिहारी में चार्जशीटेड रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी साहेबगंज थाना क्षेत्र में लोग चार्जशीटेड रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों से आगे की पूछताछ में और